इस खबर के प्रायोजक हैं प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरात को बैठ रहे हैं। आज भोजपुरी बदकही में शिक्षक प्रमाण पत्र के अपलोड के जितना खुलासा बा सामने लिया है। हाँ तो बताई कि कोनिंग आप फोल्डर जन जमा भइलवा प्रमाण पत्र शिक्षक लोग के उमे का मामला बा। राजीव रंजन तिवारी जी 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 नमस्कार रउआ बदकही के जन चैनल बा ए पर सब लोग जे सब ओकरा के हमार नमस्कार बा। सबसे पहले तो ही हमरा कहे के बा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 2015 से पारा नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र के जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच प्रक्रिया में 2015 से लेके अब तक पारा हमने के जितना सिवान जिला के नियोजित शिक्षक बढ़े जेकर नियोजन 2003 से लेके 28 जून 2015 के बीच में भइल बा लगभग 14 बार से अधिक अपन सभी प्रमाण पत्र सुधार से निगरानी को उपलब्ध करो लगा। हालांकि वो शिक्षा से उपलब्ध कराओ के जिम्मेवारी ना रहे वो जिम्मेवारी रहे नियोजन इकाई से। नियोजन इकाई के लगे हमारे टोटल प्रमाण पत्र रहे हमार मेधा सूची रहे हमार रोस्टर रहे सब कुछ रहे तो नियोजन इकाई से मांगल गई। तो नियोजन इकाई जमा कर दल स्थापना में सब नियोजन इकाई मेधा सूची प्रमाण पत्र सब कुछ जमा कर दिया। बीच बीच में जो सवाल उठाई कि उस सर्टिफिकेट के फोटो साथ में क्या है ई नहीं क्या भाई ऊ नहीं क्या भाई तो मेधा सूची को लगे क्या प्रमाण पत्र नहीं है प्रमाण पत्र नहीं है या साथ नहीं है स्पष्ट नहीं है वो स्थिति में सारा शिक्षक से भी मांग भैल सब शिक्षक दर्जनों कर दल है। जब जाओ तो जैसे निगरानी में बाबू लोग बैठे रहे चाहे जो भी पदाधिकारी रहे चाहे शिक्षा विभाग से जो जुड़े रहे अब मालूम है कि वो निकाल के फाइल जब फेंक दे या जमा न करे या लापरवाही के कोनो काम न करे खाली ले जाए सूरत घर में उघेड़ फेंका जाओ फिर अगर जो है कागज रहा नहीं है कितना लोग है कागज है ब्लॉक में नहीं है सारा लोग अपन जाओ आराम परेशान होके आ कागज उगा ले जाके जमा करे चाहे जो भी नामित रहे उसका खेती उसका माध्यम से उसे जाओ। अभी शिक्षा विभाग निर्णय लो सब माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष के आलोक में कि जितना भी शिक्षक के फोल्डर जमा नहीं किए ओकरा के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओकर फोल्डर जमा कराओल जाए प्रमाण पत्र जमा कराओल जाए। ठीक है तो पूरा जिला से मंगल सा सूची और तीसों जिला से की बताई कहाँ कहाँ कितना नहीं है तो इसे घोर आश्चर्य के बात बा आई दुर्भाग्यपूर्ण बात बा सिवान जिला में जो 11,000 शिक्षक के कार्यरत बढ़े टोटल हालांकि 2018-19 तक नियोजित बढ़े तो ओमे से इन दल अपना क्या क्या स्थापना रिपोर्ट दलक की 9300 लोग है सर्टिफिकेट जो जमा नहीं है फोल्डर जमा नहीं है 9300 लोग के जमा नहीं है जमा नहीं है 2330 लोग है जमा का। तो भाई की चलो भाई 2330 लोग उसे से हाथ से निकाल जाओ तो आज तक 2330 के सूची प्रकाशित ना हुई जबकि जमा सारा लोग के भइल बा 3 बेर 4 बेर जमा भइल बा मान हम तो दर्जन बार से अधिक कहते हैं हम 3 बेर 4 बेर नहीं कहते दर्जन बार से अधिक कहते हैं माने तमाम शिक्षक लोग कह रहा बा कि लगातार 1 से 2 दर्जन बार अपन सारा प्रमाण पत्र फोटो कॉपी ले जाके स्थापना में दे दल आ ओकरा बाद भी नइखे जमा भइल तो एकर केकर केकर वजह से ई हो सकेला केकरा लापरवाही के ई मामला हो सकेला स्थापना में स्थापना में ले जाके हमने के किसन देले जब शिक्षक स्थापना में के देले हमने के या तो व्यक्ति के माध्यम से देले बा इंसान जे नामित बा ओकरा माध्यम से देले बा इंसान कुछ लोग के निगरानी डायरेक्ट से फोन करके बोलवले बा फिर उठाई कागज नहीं है वही बात बा तो ई सब दिलाइल बा। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात ही बा कि जब फिर नया सूची जारी भइल तो अपना सिवान जिले में 10,635 शिक्षक के नाम चल गई की इनका प्रमाण पत्र जमा नहीं है और आगे का कदम उठावे जाता नहीं है मामला में। तब हमरा हमने के में डीएम साहब से मिले कौन डीओ साहब से मिले कौन हमने के में निदेशक प्राथमिक शिक्षा से पत्रकार करे सुना जरूरत पड़ी तो हमने के भी निगरानी के खिलाफ विभाग के लापरवाही के खिलाफ हमने के कोर्ट में भी जाते हैं। चलो धन्यवाद हमने के प्रमाण पत्र देवे में आपत्ति नहीं अपलोड करे में आपत्ति नहीं है हमने के आपत्ति था कि समाज अगर कहता अखबार में निकला था कि 88,000 शिक्षकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं इन शिक्षकों के नौकरी के व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह यानी कि हमने के समाज में लोग के नजर से गिरा तो नहीं संख्या जाली लोग है लोग के कागज नहीं चले लोग जाली है फर्जी है बात तो एकदम सही बा
मान प्रतिष्ठा बचावे खातिर हमने के आगे लड़ाई के लड़त सुन हमें जो भी दोषी होकर कार्रवाई करवाए सुन। सही बात बात भी एकदम उचित बात। शिक्षक लोग के एगो अलग मर्यादा होला, गुरु के एगो अलग मर्यादा होला, जौन लगातार समाज में गिर रहा ओकर रुआ लड़ाई लड़ता नहीं। चलिए अपन परिचय बता दी जी। हम राजीव रंजन तिवारी, जिला सचिव, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सिवान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो हमनी के बातचीत कल जाई भोजपुरी बात कही अपना भाषा में शिक्षक संघ के जिला के अध्यक्ष बनी परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के महेश प्रभात जी हमनी के साथे जुड़ल बनी। तो का मामला बा महेश भैया? जी सर जी, का मामला बा? प्रमाण पत्र मामला में पूरा बताई। इतना दिन से अभी तक निगरानी आके सिवान में शिक्षा विभाग के कार्यालय में सर्टिफिकेट के जांच कर बहुत सर्टिफिकेट के जांच हो गए। आ डीपीओ साहब के एगो पत्र बाटे जवना पत्र में वहाँ के कहते नहीं कि सारा शिक्षक के हमारा यहाँ निगरानी द्वारा जांच हो गई बाटे, मात्र 61 शिक्षक के ही बाकी बाटे। जबकि शिक्षा विभाग के जो पोर्टल पर जो एफसी बाटे आयल बाटे नाम इतना लोग के बाकी बाटे, उसमें लगभग लगभग पूरा जिला के तमाम शिक्षक के नाम बाटे उसमें बाकी बा, जबकि सारा लोग जमा कर चुकल बा। सारा लोग एक बार ना सर अनेकों बार जमा कर बाटे, मतलब 50 बार सारा शिक्षक लोग जमा कर दिल बा प्रमाण पत्र, और बाद भी नहीं अपलोड भैलो पर अपलोड नहीं है भाई जी। जबकि शिक्षा विभाग सिवान के स्पष्ट एगो पत्र बाटे में वहाँ के डीपीओ साहब कहते नहीं कि मात्र 61 आदमी के बाकी बाटे। अच्छा जी, एगो और मामला आ रहा बा कि सिवान के डीपीओ जब से राजेंद्र सिंह जी आयल बनी तब से बड़ी तेजी से काम हो रहा बा, शिक्षक लोग के बहुत सारा समस्या सॉल्व भी हो गई, और ओकरा बाद भी वहाँ के कहते नहीं कि मात्र 61 लोग के बाकी बात, तब भी अभी जब अपलोड नहीं हो पावल पोर्टल पर। जी जी जी, समझ से परे बटे कि निगरानी या शिक्षा विभाग की कौन सा कौन बने इतना दिन से काम कईले बटे जो की पोर्टल पर अभी तक अपलोड ना भई शिक्षक के ई गुमराह करे वाला ई बात बटे। अच्छा, इसमें घूस के हो सकेला का कि लोग घूस लेवे खातिर पैसा के लेन देन के वजह से ई कल जात होके अपलोड ना कल जात होके? अब ये सर समझ से परे बटे कौन बात बा का वजह बटे हमारा भी घुस के लिए नहीं और स्पष्ट कर सकत ठीक बा, लेकिन आखिर वजह का बटे कोनो ना कोनो वजह जरूर बजाना है। वजह से के बाद सर्टिफिकेट देला के बाद भी अपलोड नहीं के भाई। अच्छा एक बात, एगो अभी रुआ लोग पर का कदम उठावे जाता नहीं? हमनी के कदम उठावे जाए कि अगर जी विभाग नहीं छे मानत तो हमनी के जम लगे उपलब्ध बाटे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र हमनी के दे सकत बनी सर या फिर अपलोड कर सकत बनी सर। लेकिन जौन नियोजन इकाई के पास प्रमाण पत्र बाटे जौन चीज ओकरा लगे रहे के चाही वो हमनी के लगे तो ना मिली, वो तो जमा हो जाला जितना ओरिजिनल सर्टिफिकेट बा शिक्षक लोग के नियोजन इकाई ले ले भैया। जी जी, तो अगर ये सरिया नहीं छे तो हमनी के पूरा मास लेवल पर शिक्षक के हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाए। अच्छा अभी अभी जैसे सामने आ रहा बा कि रुआ लोग जिला अधिकारी से मिले जाता नहीं, तो अभी के का कार्यक्रम बा? जी अभी हमने के प्रोग्राम बन रहा बेटे तमाम संगठन के लोग मिल के हमने के आ जिला अधिकारी महोदय से हमने के निवेदन कर सन की सर ऐसा ऐसा बात बाटे हमने के अनेकों बार सर्टिफिकेट दे दल बन जाए और बावजूद भी हमने के पोर्टल पर अपलोड नहीं के भेल। अच्छा, ऐसे शिक्षक के ऐसे गुरु जी के समाज में प्रतिष्ठा दाव पर लागल बा? बिल्कुल बिल्कुल दाव पर लागल बाटे सर, शिक्षक के प्रतिष्ठा एकदम दाव पर लागल बाटे समाज में भी और अपना व्यक्तिगत नौकरी के भी ये तरिया सरकार के पत्र बाटे उतरिया। जबकि माने शिक्षक एगो समाज के दर्पण होला, एगो गुरु के एगो अलग स्थान होला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आपन तनी परिचय बता दी। महेश कुमार प्रधान, जिला अध्यक्ष परिवर्तनकारी शिक्षक संघ सिवान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।